बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से सीढ़ीदार खेत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम सीढ़ीदार खेत इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। बच्चों, चलिए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अमित नाम का एक लड़का सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, जिस वजह से वे अमित को कहीं भी घुमाने नहीं ले जा पाते थे। एक दिन कक्षा में अध्यापक जी ने स्कूल की टूर दार्जिलिंग जा रही थी इस बारे में बताया और अमित टूर पर जाना चाहता था बच्चों, जिसके लिए उसे पापा से बात करना था। पापा से बात करने के पश्चात अमित के पापा अमित को टूर पर भेजने के लिए मान गए। बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने के पश्चात वह दिन आ ही गया जिस दिन अमित को टूर पर जाना था। माँ ने अमित की अटैची में खाने पीने के सामान के साथ साथ गर्म कपड़े भी डालकर तैयार कर दिए। अमित की टूर पर जाने की उत्सुकता और चाहत देखकर अमित के पापा अमित को स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। अमित के स्कूल पहुंचते ही बस टूर के लिए निकल पड़ती है। सभी बच्चे बस में विभिन्न कार्यक्रम द्वारा सफ़र का आनंद ले रहे थे कि बस मैदान को पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। और बच्चों ने बाहर की तरफ देखा तो उन्हें सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। बच्चों, उन्होंने सर से पूछा कि ये खेत किसके हैं। तो सर ने उन्हें कहा कि बच्चों, ये चाय के बागान हैं। इसके बागान हैं चाय के। बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को उचित स्थान पर रोककर सर ने सभी बच्चों को बस से उतरने के लिए कहा। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर, सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं, एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। चाय की खेती के लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती है। चाय बच्चों समतल, जो बराबर, समतल अर्थात जो बराबर रहते हैं, वहाँ पर पैदा नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। समतल मैदानों में सीढ़ियाँ बनाकर हम खेती नहीं कर सकते हैं। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं कर सकते हैं। तो सभी बच्चे सर से एक साथ पूछते हैं, सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं। सब बच्चे एक साथ सर से पूछते हैं, सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं। तो सर उन्हें क्या जवाब देते हैं, बच्चों चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। चाय के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, बीजों से। जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है। रोपना अर्थात लगाना। जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार अर्थात जहाँ पानी न रुकता हो, ढलानदार अर्थात जहाँ पानी जरा भी न रुके, ऐसी जगह पर लगाया जाता है क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है। चाय के पौधों की जड़ों को पानी जहाँ पर ठहरता हो ऐसी जगह से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है। सीढ़ीदार या ढलानदार खेती जहाँ की जाती है वहाँ पर पानी ठहरता नहीं है,
ढलानदार स्थानों पर पानी नहीं रुकेगा, इसलिए जो है उन पौधों को वहाँ से निकाल कर ढलानदार या सीढ़ीदार खेतों में लगाया जाता है, क्योंकि चाय की पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। तो चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देखेंगे। समतल बराबर चौरस रोपना लगाना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिला ही तोड़ रही है। क्या बोला बच्चों ने? इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोला, हाँ बच्चों यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियाँ नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त, बस इसलिए औरतें और लड़कियाँ ही चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं, जानते हैं क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना बिल फिर मुश्किल हो जाएगा। सर यह बात तो समझ में आ गई। बच्चों ने क्या कहा सर से? सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है, एक और आश्चर्य की बात है, एक और हैरान करने वाली बात है कि इन चाय की पत्तियों को, बच्चों ने क्या कहा सर से? कि एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही, केवल औरतें ही क्यों तोड़ रही हैं? बच्चों ने क्या पूछा सर से? कि इन चाय की पत्तियों को केवल औरतें ही क्यों तोड़ रही हैं, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है, कोई आदमी क्यों नहीं है? अमित बोला। कौन बोला बच्चों? अमित बोला। तो सर ने क्या उत्तर दिया? हाँ बच्चों यह खास बात है। क्या सर ने क्या बोला? हाँ यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, आदमी लोग जो हैं इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियाँ नरम होती हैं, चाय की पत्तियाँ नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं, सख्त अर्थात कठोर, बस इसीलिए औरतें और लड़कियाँ ही चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं, औरतें और लड़कियाँ ही चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते, चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते, 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं, जानते हो क्यों? सर ने बोला, जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा, अगर इससे बड़े हो जाएंगे तो इनकी पत्तियों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देखेंगे। नरम मुलायम। आगे बढ़ेंगे बच्चों। बीच में ही शरद बोला, बीच में ही शरद बोला, सर यह पत्तियाँ साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है, वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। बीच में ही शरद बोला, सर ने बोला बच्चों को कि चाय की पत्तियाँ अगर 1.5 से बड़ी हो जाएंगी तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बीच में शरद बोला, सर यह पत्तियाँ साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? यह पत्तियाँ एक साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? तो सर क्या बोल रहे हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, साल में कितनी बार? 3 बार, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। तो सर ने क्या फिर बच्चों को कहा? अच्छा बच्चों अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है, चलिए बच्चों अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना, ठहरना अर्थात रुकना है, वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, आप सभी लोग भोजन करने के पश्चात, खाना खाने के बाद वहाँ पर सो जाना,
फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। चलिए बच्चों कठिन शब्द देखेंगे इसके। ठहरना, रुकना, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुँच गई। सभी बच्चों ने सर ने जब उन्हें कहा कि चलिए बच्चों अब आप लोग होटल पर चलिए, वहाँ पर खाना खाकर सो जाना, सुबह जो है वापस से घूमने चलना है, तो सभी बच्चों ने क्या कहा? अच्छा सर कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम जो था बहुत अच्छा लग रहा था। दार्जिलिंग का मौसम बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। बच्चे जो हैं दार्जिलिंग की ठंडी ठंडी हवा का बहुत ही आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुँच गई। शीघ्र अर्थात जल्दी होटल पहुंच गई। इसके कठिन शब्द देखेंगे बच्चों। शीघ्र, जल्दी। तो बच्चों सीढ़ीदार खेत इस पाठ को आज यहाँ पर जितना समझाया गया है, उम्मीद करती हूँ कि वह आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के बचे हुए भाग का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद बच्चों।